हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा बीकानेर से। और सबसे पहले आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि गाड़ी संख्या 06587 यशवंतपुर बीकानेर बाई वीकली एक्सप्रेस यशवंतपुर से शुक्रवार व रविवार को सुबह 5 बजे चलेगी एवं बीकानेर 6:50 पर सुबह पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 06588 बीकानेर यशवंतपुर बाई वीकली एक्सप्रेस मंगलवार व शनिवार बीकानेर से रात को 22:15 10:15 पर चलेगी एवं यशवंतपुर प्रातः 3:15 पर सुबह पहुंच जाएगी। इसका जो शेड्यूल है टाइम इसका चलने का, वह फ्राइडे और संडे को ही चलती है। ये 1526 मील या 2441 किलोमीटर का सफर कर पूरा करती है 2 दिन 1 घंटा 45 मिनट के अंदर। कुल इसके अंदर 26 स्टॉपेज हैं और ये ट्रेन यशवंतपुर से चलती है सुबह 5 बजे। उसके बाद ये अगले दिन सुबह प्रातः 5 बजे पूना पहुंचती है। पुणे से चल के ये फिर आगे कल्याण वसई रोड वापिस सूरत 12 बजे के करीब आती है और बड़ौदा आती है 2 बजे, अहमदाबाद आती है 4:15 बजे और फिर उसके बाद ये राजस्थान की सीमा में घुसती है। आबू रोड आती है लगभग 20:15 पे, रात के 1 बजे फिर ये जोधपुर आती है और फिर जोधपुर से चलने के बाद ये सुबह 3 बजे मेड़ता रोड, नागौर 4 बजे, नोखा 4:45 बजे और बीकानेर 6:50 पे 2441 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके आ जाती है। ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पे आके खड़ी है। ये है यशवंतपुर की आगमन की कहानी और डिपार्चर का भी वीडियो हमने बनाया है, तो नेक्स्ट सेशन में उसके यशवंतपुर के डिपार्चर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगामी वीडियो के साथ ही मिलने का वादा किए हुए मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा फिर दोबारा मिलने के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। भगवान आपका दिन बहुत बहुत अच्छा करे, ऐसी मेरी आपकी आपके परिवार के सभी के प्रति शुभ मंगल कामनाएं। अब रेलवे ने 40 जोड़ी विशेष ट्रेन और चलाने का फैसला किया है। बीकानेर की इसमें कुछ गाड़ियां भी बीकानेर को मिली हैं, जिनमें बीकानेर से यशवंतपुर, बीकानेर के समीप लालगढ़ से डिब्रूगढ़ और बीकानेर डिवीज़न की है कानपुर से भिवानी के लिए। उन ट्रेनों की लिस्ट में भी ये शामिल है जो कि 80 ट्रेनों की संख्या के अंदर आ रही है। रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान कोविड-19 के का सख्ती से पालन किया जाना होगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने कमेंट से हमें मुझे अनुग्रहित करें और मन की भावनाएं, जो भी आपके मन के उद्गार हैं, वह अवश्य बताएं, अपना सुझाव दें। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रेल सेवा पूर्णतः आरक्षित रहेगी। इन ट्रेनों में चलने वाले सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड-19 के वह सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करना और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर ज़रूर देना। मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।